जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा हूँ, आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। ये बार हम ग्राम पेटी के एक प्रगतिशील किसान भाई वीरेंद्र वर्मा के यहाँ पहुँचे हैं, जिन हर रवि सीजन में सोयाबीन के बहुत बेहतरीन खेती करत है। और ये खेती के विशेषता ये है कि एकर से जन उत्पादन मिलही वो है कहना चाहिए हमार आषाढ़ सावन में जो हम सोयाबीन की खेती करथन ओकर लिए बीज के काम आते। तो वो बीज बनाए खातिर अभी विशेष रूप से ये रबी सीजन में सोयाबीन की खेती करत है। तो आवाओ भाई वीरेंद्र वर्मा से मुलाकात करथन और जानथन कि ये सीजन में सोयाबीन की खेती वह कौन ढंग से करत है और ये सीजन में सोयाबीन की खेती करे में कतेक कहना चाहिए लागत आते और कौन कौन से परेशानी के सामना करे पड़ते। तो एकर बारे में सबो सवाल के जवाब जाने बर चलो मुलाकात करथन भाई वीरेंद्र वर्मा। तो वीरेंद्र भैया जयराम। जयराम भैया, जयराम। तो वीरेंद्र भैया, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। तो सबसे पहले तो ये बतावाओ कि रवि सीजन में सोयाबीन के खेती करत आप लग कतेक दिन हो गए? ये दूसरा साल है। अच्छा, दूसरा साल है। तो पिछला वर्ष कतेक रकम कर रहे हो भैया? पिछले साल में कर रहे हो 50-60 डिसमिल कर रहे हो। अच्छा, तो उत्पादन संतोषजनक मिले हिसाब ल? हाँ हाँ। तो 50-60 डिसमिल के जन उत्पादन रही से वो कतेक आ रही से? लगभग 4.5 क्विंटल। अच्छा, 4.5 क्विंटल। हाँ, 4.5 क्विंटल। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जिन खेत में हम खड़े हैं एकर रकबा कतेक है? एकर रकबा लगभग लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल। अच्छा, 1.25 एकड़ मान लो है ना। तो 1.25 एकड़ में आप मन सोयाबीन के रवि सीजन में खेती करत हो। तो रवि सीजन में खेती करे बर सोयाबीन के हमला विशेष कर खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? अब क्या सोयाबीन जस्ट काटे के बाद दो बार जुताई करें, ओकर बाद फिर पानी पलोन। हाँ। पानी पलोए के बाद मतलब एक बार और जुताई करके फिर सिड्डिल करें ऊपर में। अच्छा। तीन बार जुताई करें। तीन बार जुताई हाँ, हो है। हाँ, हाँ। अब बीच में जो पानी पला हो हाँ, ओल के लिए ओल के लिए है ना। हाँ, हाँ। ताकि अच्छा से ओल रहा है। हाँ, हाँ। तो तीन बार जुताई हो है, ओकर बाद में सिड्डिल हो है। हाँ, हाँ। तो सोयाबीन जिसे आप मन बोए हो तो इसमें कौन से वैरायटी सोयाबीन लगे हैं? ये रुचि है भैया। अच्छा, रुचि है ना। तो रुचि सोयाबीन अगर हमला रवि सीजन में बोना है। हाँ। तो बीज के मात्रा कतेक रही थी? मैं 1 एकड़ में लगभग लगभग अभी गर्मी फसल में अगर डालना है तो कम से कम 50 किलो। अच्छा। हाँ, और वो जो जाय सीजन में जिन्हें अपन बोथन वो 40 किलो पर्याप्त है। अच्छा, 40 किलो। हाँ। तो अभी 50 किलो का बार? अभी क्या है कि गर्मी में मतलब ठंड के मौसम में जर्मिनेशन में थोड़ा सा समस्या थे। अच्छा। तो कुछ कुछ फिर नहीं जर्मिनेशन। हाँ, 10-15-20% के थोड़ा से कमी रही थी जर्मिनेशन। हाँ। तो ओकर वजह से 1 एकड़ में बीज के मात्रा आप मंडाले हो। हाँ, 50। हाँ, 10-12 किलो एक्स्ट्रा डाला है। तो भैया जिसे अपन कर कहना चाहिए ओनारी हुए हुई है में। ओनारी है ना। तो 50 किलो तो बीज हो गए। हाँ, हाँ। लेकिन ओनारी में कौन कौन से खाद आप डाल रहे हो? मैं डाले है अभी ओनारी के साथ डीएपी। अच्छा। हाँ। ओनारी के साथ डीएपी डाले। आधा 1 एकड़ में आधा के। अच्छा, आधा पूरी का। तो जब हम ओनारी कर लें और हमारे बीज जर्मिनेट हो गए। हाँ, बड़े बड़े हो गए कहना चाहिए है ना, जैसे अभी दिखा थे। हाँ, तो ये कतेक दिन के फसल भी है? कतेक अवधि? लगभग 1 महीना। 1 महीना। हाँ, हाँ। तो अब ये में पानी पल गई कि में 25-30 दिन में? हाँ, 1 महीना हो गए। 1 महीना। हाँ। से थोड़ा ज्यादा हो गए। हाँ, हाँ। पानी पल गए, ज्यादा दिन नहीं होते, लगभग लगभग हफ्ता भर होता पानी पल। अच्छा, तो पानी पलाए के बाद में हम लोग कुछ खाद वाद देना भी है? तो हाँ, अभी खाद डले है ना। अच्छा, कौन कौन से खाद? यूरिया और डीपी। अच्छा, यूरिया और डीपी में। हाँ, डाले हो आप मन। हाँ, तो कतेक मात्रा में डाले हो? में मान के चल 10-12 किलो यूरिया डाले है और वही 10-12 किलो डीएपी। अच्छा, 10-12 किलो डीएपी। तो के बार लगते भैया पानी पलाए बार अगर हम रवि सीजन में सोयाबीन की खेती करें? कम से कम 3-4 बार लगी है। 3-4 बार पानी? और पानी का अंतराल का रही लगभग लगभग खाद जैसे अभी हम एक पानी। अच्छा, दे दिन है ना। तो एक पानी से दूसरा पानी के 15-20 दिन। अच्छा, 15-15 दिन में। 15-15 दिन या 20-20 दिन में है ना। और जे बार हम पानी देवा था वो बार थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो खाद की मात्रा लगभग वही रही जो आप बताए? 10 किलो डालो है ना। 10-10 किलो। अच्छा, तो ये में जैसे बारिश में का है अपन मन खेती करथन तो घास फूस की ज्यादा समस्या रही थी। हाँ, हाँ। है ना। तो वो में तो खरपतवार नाशक के प्रकार के चला था। हाँ, हाँ। तो अभी गर्मी सीजन के का ये अगर तो ये में भी वही सिस्टम है मान के चलो, अगर ज्यादा घास फूस हो गए तो अपन जो चला था पैरासूट या परसूट वगैरह। हाँ, हाँ। तो वाला चला सकता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो उतना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, तो ओकर से कहना चाहिए बन के निराकरण हो जाते हैं। और बीमारी वगैरह का लगते भैया अभी रबी सीजन में? जो बारिश में लगते चूसक वगैरह जो लगते हैं ना वो सब। हाँ। चीज ये गर्मी मौसम में नहीं हो।
अच्छा हाँ। मतलब वो सब चीज से बचत में हो जाते हैं कहना चाहिए है ना। तो दवाई गोटी कहना चाहिए उतना नहीं लगा जत का वो सीजन में लगते हैं। हाँ, वही कीटनाशक और चूसक लगते बस। अच्छा, कीटनाशक और चूसक। चूसक हाँ। तो ओकर रोकथाम के लिए कौन कौन से आप मन है ये चला थो दवाई वगैरह? अब कीटनाशक में तो कोई भी कीटनाशक थोड़ा सा अच्छे मजेदार है, अगर कोराजन डाल देता ने में। अच्छा अच्छा, कोराजन डालवे तो चूसक वगैरह की स्पेशल डालने की जरूरत नहीं पड़े, वो तो इसने मतलब खत्म कर देते वाला का। तो कोराजन वगैरह जिसे हम डाला था बढ़िया टाइप से हाँ। तो फिर वो दूसरा अन्य कहना चाहिए कीटनाशक के या कोई दूसरा चीज की हाँ। जरूरत नहीं है। और फल फूल के लिए हल्का फुल्का टॉनिक डाल देता। अच्छा हाँ। तो बस अतकस ही कहना चाहिए हमारे सोयाबीन की खेती है, खेती हो जाती है। तो सोयाबीन के जैसे अभी जिन खेत में हम खड़े हैं कहना चाहिए या कोई भी खेत में हाँ हाँ। तो प्राय एक औसत उत्पादन जैसे पिछला बार आप मन ले रहे हो तो कर बताया हो कि लगभग 4.5 क्विंटल है ना, आधा एकड़ में। तो ये बार एक एकड़ सवा एकड़ में आपके हो है तो एकड़ पीछे एक अंदाज कहना चाहिए उत्पादन कतक मिल जाये? इमें एकड़ पीछे मान के चलो अब कम से कम बता तुम्हें मतलब 8-9 क्विंटल कहीं नहीं जाए। अच्छा, एक एकड़ में 8-9 क्विंटल की उत्पादन बिल्कुल मिली है ना। तो चलो ये तो बहुत बढ़िया भी है, 9 क्विंटल अगर सोयाबीन के है ना अपन लोग उपज मिला थे तो बहुत बढ़िया उत्पादन है। तो ये जिन उत्पादन है अब भाई 9-10 क्विंटल के जो उत्पादन है अब वो पूरा के पूरा तो कहना चाहिए बीज में उपयोग नहीं हुआ है ना, तो कहीं कहीं बेचना भी है। तो गर्मी सीजन वाले के कुछ रेट अलग रही थे, कम रही थे, ज्यादा रही थे कि वही रेट में जाते? नहीं नहीं, अलग रही थे। अच्छा, अलग बन के मतलब वो ज्यादा 12,000 क्विंटल। अरे बाप हाँ, तो मतलब उत्पादन में अभी जो कम लेता ना हाँ, तो रेट में मेंटेन मेंटेन हो जाते हैं। तो 10,000 से 12,000 रुपया के मतलब हाँ, 12,000 क्विंटल से कम में नहीं बिके। ओहो हाँ, क्या बात है भैया। तो अगर मान लो हम 9 क्विंटल के भी अगर कहीं उपज ले लें हाँ, और 12,000 के अगर हमला रेट मिल गए तो 12×100 मतलब 1,00,000 से पार हो गए समझ जाओ। तो ये तो बहुत अच्छा खेती हुई है, तो बहुत खुशी हुई हमला रेट जान के कि इतना अच्छा अपना कहना चाहिए रेट मिलते। तो चलो बहुत बढ़िया भैया। तो एक अपडेट वीडियो है ना, चूंकि अभी तो फल फूल आए नहीं है हाँ, है ना अभी हाँ, शुरुआती अवस्था है। तो जिन समय फल फूल सोयाबीन में आ जाए और थोड़ा से और कहना चाहिए थोड़ा जमीन ढक ली ओकर हाँ, बाद एक 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए हाँ। तो 15 महीना दिन के अंदर में हम एक अपडेट वीडियो एक लेके आबो, तब तक के लिए आप हमारे साथ वीडियो बनाओ भैया, एक बार आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज की वीडियो ही मैं समाप्त करा था। जय हिंद, जय श्री राम।